क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एचआई। देखिए, ग्लिसरॉल दो तरीके से रिएक्ट करता है, एक होता है लिमिटेड एचआई और दूसरा होता है एक्सेस एचआई। तो जो ग्लिसरॉल की रिएक्शन, की रिएक्शन हम जब एच आई से कराते हैं एक्सेस में, तो हमें सबसे पहली चीज मिलती है एलाइल आयोडाइड। उसके बाद जब इसका फर्दर रिडक्शन होता है आयोडीन की प्रेजेंस में, तो फिर हमें मिलता है प्रोपीन। और प्रोपीन एक्सेस में डिसॉल्व होता है, प्रोपीन का फर्दर डिसोल्यूशन होता है, तो बनता है आपका आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। ये चेन रिएक्शन फॉलो होती है।